नंबर पे क्या दिया हुआ आएगा, इम्प्रूव सीड्स। इम्प्रूव सीड कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या आएगा, ये जो सीड्स है, सीड्स मतलब क्या, वो जो रासायनिक खातर वगैरह बीआरएन वगैरह डालते हैं ना, वो बीज जिसको कहते हैं, बर क्योंकि जमीन के अंदर तुम अच्छी क्वालिटी के बीज डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारी फसल अच्छी क्वालिटी की होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। इट इज एस्टिमेटेड क्वालिटी ऑफ सीड अकाउंट फॉर 20-25% ऑफ द प्रोडक्टिविटी। बर 20-25% जो भी है वो अच्छी क्वालिटी के हम लोग क्या करेंगे, सीड्स का यूज़ कर रहे, जिसके कारण क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। आफ्टर एग्जामिंग द सोइल कंडीशन, जमीन की सिचुएशन क्या आएगी, अवेलेबल इरिगेशन फैसिलिटी, पानी वगैरह की फैसिलिटी कितनी है डिफरेंट एरिया के अंदर। फार्मर शुड बी एडवाइज अबाउट व्हाट सीड्स आर बेस्ट इन द एरिया। फार्मर को एडवाइस देने में आती है कि कौन से सीड्स उसके लिए अच्छे वाले हैं। शुड बी एजुकेटेड इन द मेथड ऑफ सोविंग मैन्यूरिंग एंड इरिगेटिंग द न्यू हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। और फार्मर को क्या करने में आता है, एजुकेशन भी देने में आता है कि भाई कौन सी सीड्स वगैरह का कब कब यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कितना कितना पानी वगैरह लगेगा, उसके कारण भी क्या हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा। उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मतलब वो जंतुनाशक दवा डालते हैं ना वो, क्योंकि अगर जंतुनाशक दवा नहीं डालेंगे तो जो भी क्या होगा, कीटक वगैरह है, जो भी जीव जंतु है, वो क्या करेंगे, हमारे पाक को नुकसान पहुँचाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की जो भी है फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण पाक को नुकसान नहीं पहुँचता, इसके कारण भी क्या हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इम्प्रूव सीड्स रिक्वायर हैवी डोज ऑफ द फर्टिलाइज़र। अच्छी क्वालिटी के तुम सीड्स का यूज़ करोगे तो साथ में फर्टिलाइज़र भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड द इंडियन फार्मर यूज ओनली 1/10 द अमाउंट ऑफ मेजर दैट इज नेसेसरी टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सोइल। बर सोइल मतलब कि जमीन की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उसका भी 1/10 हम लोग यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। देर आर वाइडर इंटर स्टेट डिफरेंस इन द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एज वेल एज इन पंजाब इट वॉज साइट एज 227.5 kg पर हेक्टर इन 2014-15। मतलब एक हेक्टर जमीन जो होती है, एक स्क्वायर मीटर जो जमीन होती है उसके अंदर 227 kg क्या होता है, अनाज उगता है। 2014-15 में इतना था, पर उसके बदले में मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखने जाओ तो 78.2 kg जाएगा। एरिया देख अलग अलग है, पंजाब में जहाँ पे 225 kg माल उगता है ना, उसके बदले में या मध्य प्रदेश में 80 kg माल उगता है ना, वही ओडिशा की बात करें तो 57.5 kg। एरिया अलग अलग है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी भी कैसी है, अलग अलग है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की कितनी फैसिलिटी है। ऐसे एरिया है जहाँ पे पानी की फैसिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो फार्मर जो खेडूत है वो साल में 3-4 बार क्या कर सकते हैं, पाक वगैरह उगा सकते हैं, पर जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे नहीं उगा सकते। दिस कवरेज ऑफ इरीगेशन इन वेरियस स्टेट वेर फ्रॉम 14-97% है। अलग अलग एरिया के अंदर इरीगेशन की फैसिलिटी अलग अलग है, अमुक स्टेट के अंदर 14% है कम से कम, अमुक स्टेट में 97% तक भी है, बरोबर है। देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द करंट लेवल एंड द अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ द पंजाब हरियाणा राजस्थान विच हैव ऑलरेडी एक्सीड द पोटेंशियल इरिगेशन लेवल। पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर क्या आएगा, इरीगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, पानी वगैरह अच्छा मिल जाएगा। UP has the potential to rise the level of irrigation to 95% from the present level of 68.4%। UP में पहले क्या था, 68% खेत ऐसे थे जहाँ पर पानी की फैसिलिटी मिलती थी, वो बढ़ के अभी 95% हो गया है। बट इन ओडिशा एंड आसाम इरीगेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2/3 ऑफ अ क्रूप एरिया, करंटली इट इज़ अवेलेबल ओनली लेस देन 27%। ओडिशा है आसाम है वहाँ पर पानी की इतनी फैसिलिटी नहीं है, खाली 27% खेत ऐसे है जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती है, पानी वगैरह मिलता आएगा। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वगैरह भी करते हुए ना, ठीक है। पहले खेतर के अंदर क्या था, लाइट वगैरह नहीं थी, अभी लाइट वगैरह इरिगेशन के साथ साथ क्या आएगा कि भाई पावर वगैरह का भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो लाइट वगैरह होगी तो क्या होगा कि सपोज समझ कोई काम दिन में नहीं हुआ है तो हम रात को भी कर सकते हैं, या हमने क्या करा कुआ वगैरह खुदवा दिया, हम मोटर वगैरह लगा के भी क्या कर सकते हैं, भाई पानी वगैरह हम लोग छाट सकते हैं।
बारिश को पर डिपेंड रहने की फिर कोई जरूरत नहीं रहती। एज नोटेड बाय द रमेश चंद एस एस राजू एंड एल एम पांडे अंडरलाइन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक सप्लाई टू एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग इरीगेशन एंड दस राइजिंग आउटपुट। ये तीन लोगों ने क्या करा, सजेशन किया कि भाई जो भी खेता रहेगा वहाँ पर जो क्या करो, लाइट की फैसिलिटी वगैरह दो, जिसके कारण जमीन के अंदर से पानी वगैरह निकाल के मोटर वगैरह का यूज़ करके भी क्या कर सकते हम लोग खेती वगैरह कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर यूज इन एग्रीकल्चर वेरियड बिटवीन 150 एंड 400 GWh, मतलब के ग्रोस जो भी वो जो भी होता है ना आवर आवर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारे वहाँ किलोवाट आवर के अंदर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वहाँ पे कैसी है GWh के अंदर रहेगी। इन ओडिशा केरला जम्मू एंड कश्मीर वेर एक्सीड 14,500 GWh इन महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक इन 2012-2013 2012-13 में क्या था तो भाई ये जो भी है ओडिशा केरला जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर जो 150 से 400 GWh जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में आती थी, जबकि महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात वगैरह के अंदर 14,500 तक की। इट वॉज ओनली 35 GWh इन आसाम, आसाम में खाली 35 का देते थे, ने हिमाचल प्रदेश में 74.95 और जो भी झारखंड है वहाँ बजो 84। सही है, बराबर है, यहाँ तक का रीड कर। आप कर डालते क्या द डेमेज फ्रॉम द वीड्स एंड प्लांट डिसीज इज ऑलमोस्ट, ज़्यादातर क्या होता है पाक को जो डिसीज हो जाता है, डिसीज माने बीमारी, पाक भी खराब हो जाता है। सही है, रुपीज़ 1.5 लाख करोड़
अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हर साल होता है, 1.5 लाख करोड़। मोस्ट ऑफ द फार्मर आर अनअवेयर अबाउट द मेडिसिन एंड इनसाइड डेवलपमेंट इन द रिसेंट ईयर। बर क्या बोला है कि भाई मोस्टली जो फार्मर है उनको मतलब पता नहीं था कि भाई कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना, मतलब कौन सी दवा वगैरह डाल दिया जिसके कारण कैसा हुआ है नुकसान वगैरह ना हो। बट अभी कुछ सालों के अंदर क्या होएगा कि भाई उनको ट्रेनिंग वगैरह देने में आएगी, उनको सिखाने में आया है, तो फार्मर लोग क्या कहते हैं उसका यूज़ करते हैं, मतलब वो लोग क्या कहते हैं अपना जो भी क्रूप जो डाली हुई है बराबर है उसका वो लोग क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज दिस प्रोग्राम एट द गवर्नमेंट लेवल। बट फिर भी गवर्नमेंट लेवल पर हजू उसके प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट शुड मेंटेन इट्स ओन टेक्निकल स्टाफ फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड एट अ नॉमिनल रेट। गवर्नमेंट के पास एजेंसीज वगैरह है वो जो क्या करती है दवा वगैरह छाट जाती है कैसे में कम रेट के अंदर। दसवें नंबर का है प्रोविजन ऑफ द क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। पहले क्या था कि फार्मर को इतने पैसे वगैरह मिलते नहीं था, पर आज की तारीख में तेरे कोई भी चीज़ चाहिए तो क्रेडिट की फैसिलिटी है, तुम लोन के थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो फार्मर लोग क्या करते हैं नवी नवी चीज़ें जो है वो ले लेते हैं लोन के थ्रू और उसका यूज़ वगैरह करते हैं, उससे उनकी इनकम जनरेट होती है और उससे क्या कहते हैं वो लोग हफ्ते वगैरह बोल लेते हैं, तो उससे भी क्या हुआ है प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ओल्ड सीड्स फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड एक्सरसाइज एग्रीकल्चर मशीनरी एंड इरीगेशन फैसिलिटी और रिक्वायर सब्सिडीज मनी रिसोर्सेज विच स्मॉल फार्मर डू नॉट यूजुअली प्रोसेस। कि ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ों को परचेस करने के लिए पैसा चाहिएगा बराबर। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेन द क्रेडिट कोऑपरेटिव सेक्टर। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेगा हम लोग को लोन वगैरह प्रोवाइड करे। द कॉमर्शियल बैंक शुड बी इनकरेज टू लीड मोर टू स्मॉल फार्मर। जो कॉमर्शियल बैंक है कि ना वो क्या करेगी ज़्यादातर पैसे जो है वो छोटे छोटे फार्मर को देगी, क्योंकि बड़े फार्मर के पास तो पैसा हो गया ना, छोटे को ये लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। द मार्केटिंग स्ट्रेंथ ऑल्सो नीड अ रीओरिएंटेशन टू सर्व टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन अ बेटर वे। मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी हमारे को इस तरीके से करना है जिसके कारण वो ज़्यादातर सपोर्ट स्मॉल छोटे वाले और मार्जिनल फार्मर को करें बराबर। वो रीज़न से भी क्या हुआ है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाए। 11 नंबर में क्या बोला हुआ है इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर। इंसेंटिव कैन बी फॉलोइंग फॉर्म। इंसेंटिव मतलब क्या समथिंग इन रिटर्न या कुछ ज़्यादा का मिलना कुछ एक्स्ट्रा का मिलना, पर या कुछ तुम काम करते हो उसके बदले में जो मिले उसको क्या बोलते हैं इंसेंटिव कहते हैं। इम्प्लीमेंटिंग फार्म रिफॉर्म रीजनरी है ना विजली इंश्योरिंग ए टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट गारंटिंग रेमुनरेटिंग प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस टू द फार्मर इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू कवर द रिस्क ऑफ द डैमेजेस टू क्रॉप एंड अदर रिस्क इन एग्रीकल्चर सोशल रिकॉग्नाइजेशन एंड कन्फर्मेट ऑफ द अवार्ड मेरिट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। देख इंसेंटिव द प्रोड्यूसर जो फार्मर लोग है ना उनके लिए भी फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है तो अगर तुम्हारा पाक खराब हो जाए तो गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे देगा, अगर नुकसान वगैरह हो रहेगा तो तुम इंश्योरेंस वगैरह ले लो इंश्योरेंस की कंपनी तेरे को पैसा वगैरह दे देगा। अब तेरे नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि खेडूत लोग क्या करेंगे पाक उगाएंगे, उनको एक डर नहीं रहेगा, उनको ऐसा लगेगा कि अगर नुकसान होगा तो गवर्नमेंट या इंश्योरेंस की कंपनी पैसा तो दे देगी ना। बट पहले ये लोग नहीं देते थे तो क्या होता था कि फार्मर अपने पूरे साल के कमाई के पैसे लगाता था कि पाक खराब हो जाए तो सब पैसा डूब जाए, तो उससे क्या होता था कि भाई फिर खेडूत लोग क्या कहते थे पाक करने की सोचते नहीं थे, खेती करने का सोचे ना छोड़ दे। जबकि अभी कैसा कि भाई नुकसान भी होगा तो इंश्योरेंस की कंपनी या तो गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी तो डर नहीं रहेगा उनको, तो वो लोग क्या करते हैं खेती वगैरह करते उससे भी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। 12th नंबर बेटर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर रिक्वायर बेटर मैनेजमेंट फॉर राइजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फॉर द फार्मर हैव टू एजुकेटेड इन मोर एफिशिएंट यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज पर्टिकुलरली लैंड इरीगेशन फैसिलिटी एंड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन।
आज की तारीख में क्या है, फार्मर वगैरह को क्या करा हुआ है, ट्रेनिंग देने में आती है, उनको सब चीज़ सिखाया है, सब चीज़ समझा दी है, जिसके कारण क्या है वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रहेगा, उससे भी क्या हुआ प्रोडक्शन बढ़ रहेगा। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस नीड टू बी स्प्रेड अमंग फार्मर विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट नेटवर्क ऑफ द मैनेजर स्टाफ। वो लोग क्या करें, साइंटिफिक मेथडों का यूज करके प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, पर जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को ही काम पे रख रहे हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं रख रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं। अदर टास्क ऑफ द स्टाफ कुड बी टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन फॉर अ डिफरेंट ग्रुप एंड एडवाइजिंग द फार्मर अकॉर्डिंगली। और उसके साथ साथ क्या करा हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसी एजेंसीज वगैरह बनाई है, तो उन लोगों को बुला सकते हो, तो उन लोगों को अपनी ज़मीन वगैरह बता सकते हो, उन्होंने एडवाइस तो ले सकते हो कि भाई ये ज़मीन के ऊपर कौन सा पाक हम लोग उगाए, कितनी कितना पानी की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मेथड का यूज़ करें, कौन से फर्टिलाइज़र, कौन सी जंतुनाशक दवा, भाई वो सब का हम लोग यूज़ करें, वो एडवाइस देते हैं क्या। इंश्योरिंग प्रॉपर वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, उसके साथ साथ क्या है वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी है। पहले क्या होता था कि भाई खेडूत क्या कदर पाक वगैरह उगा तो लेता था, पर अगर उसका पाक नहीं बिकता आएगा तो ख़राब हो जाएगा। उसके बदले में अभी क्या आएगा, गवर्नमेंट ने मार्केटिंग गोडाउन वगैरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसके कारण अगर सपोज समझ लो तुम्हारे पास अनाज वगैरह है, तुम क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को बेच सकते हो या गवर्नमेंट की गोडाउन वगैरह के अंदर भी रखवा सकते हो। बर अरेंजिंग फॉर द टाइमली सप्लाई एग्रीकल्चर इनपुट एंड एडवाइजिंग फार्मर, फार्मर को जो जो चीज़ों की जरूरत है वो भी फार्मर तक पहुँचाना और उन्हों को एडवाइस देना, वो भी क्या आएगा, वो भी हम लोग कर, जिसके कारण भी प्रोडक्शन बढ़ रहेगा। लास्ट नंबर का टॉपिक है एग्रीकल्चर रिसर्च। भाई जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिसर्च होती है ना, उसी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, जिसके कारण भी क्या हुआ है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर रिसर्च इज प्रेजेंटली कंडक्टेड बाय द ICAR। ICAR जो है वो क्या कर रहेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च कर रहेगा। वेरियस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अलग अलग एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जिस तरीके से तुम लोग कॉमर्स पढ़ो ना, इसी तरीके से एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ तक कि पारो यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसके कोर्सेज होते हैं। बर जो लोग क्या करें एग्रीकल्चर की जो भी ये जो भी है प्रोडक्ट वगैरह, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, उसके ऊपर स्टडी वगैरह करते हैं। अदर इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्रूविंग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स फॉर अ डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के लिए क्या आएगा, अच्छी क्वालिटी के रासायनिक खातर BRN वगैरह का यूज़ वगैरह करते हैं। रिसर्च शुड बी कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, जमीन की क्वालिटी चेक करने में आती है, सजेशन देने में आता है, मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन एंड रिक्लिमिनेशन, एग्जामिंग द डिसीज अफेक्टिंग डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स को कौन सी बीमारी लग सकती है, उसका क्या क्या इफेक्ट वगैरह हो सकता है, वो सब के ऊपर भी रिसर्च वगैरह चलती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट हुआ।